नमस्ते दोस्तों, आशा आप सब ठीक हैं। गोवा के शानदार क्लाइमेट और बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, लास्ट वीक हमने ताज के दो शो रिशेड्यूल किए, जनवरी 21 पहला शो 7 आर्टिस्ट शो है, दूसरा ग्रुप शो जो कि लगभग प्रमोशनल इवेंट है। 7 आर्टिस्ट शो में ईच आर्टिस्ट 8 पेंटिंग रहेगी, साइज विद इन 24 इंच बाई 24 इंच। अगर साइज छोटी बड़ी है तो नंबर ऑफ पेंटिंग्स कम ज़्यादा हो सकेंगे। ग्रुप शो में ईच आर्टिस्ट 2 पेंटिंग्स, साइज 24 बाई 24, विद इन 24 बाई 24 इंच। ताज के इन दो इवेंट के साथ हम हमारा जो अवार्ड सेरेमनी है वो भी रहेगा। लास्ट ईयर के जो अवार्डीज हैं, यानी लास्ट ईयर जिन कलाकारों ने हमारे शोज में पार्टिसिपेट किया उनमें से सिलेक्टेड कलाकारों को हम सम्मानित करेंगे। ये प्रोग्राम अप्रैल में जयपुर में होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, और अब ये प्रोग्राम ताज शो के साथ में होगा 25 जनवरी को। अवार्ड्स जिनको देने हैं उनको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था कि अगर हम ताज नहीं पहुंच पाए किसी कारण से तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि 25 जनवरी के बाद विद इन 4 मंथ्स हमारे किसी भी इवेंट्स में आप आएँ और आपको वहाँ सम्मानित किया जाएगा। दिसंबर 2018 से लेके जनवरी फरवरी 20 तक, इन 12-13 मंथ्स में हमने ताज में 10 इवेंट। जुलाई 2019 में जो हमारा इवेंट था वो ताज के साथ पार्टनरशिप में था, काफ़ी बड़ा इवेंट था। ताज ने काफ़ी बड़ा स्पेस हमें प्रोवाइड किया बहुत कम रेंट में, और इसीलिए हम ज़्यादा कलाकारों को ले सके कम फीस पर। ताज के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बने। ताज मैनेजमेंट का कहना है कि अनंत विकास ताज फैमिली मेंबर है, ताज टीम मेंबर है, और उनका सपोर्ट भी हमें मिलता रहा है। हमने हमारा जो 99th और 100th इवेंट यानी सेंचुरी इवेंट हमने ताज में सेलिब्रेट किया, ताज में ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें ताज मैनेजमेंट ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज ये दिया कि वो इनॉग्रेशन के वक्त केक जिस पे लिखा था 100th एडिशन लाया गया, और हमारे साथ उन्होंने मिलके स्पंदन के सेंचुरी इवेंट को सेलिब्रेट किया था। ताज का हमें और भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हमारा कोचीन ताज का इवेंट या न्यू दिल्ली ताज का इवेंट या अंडमान निकोबार ताज में इन्होंने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया कि हमें रिजनेबल रेंट पर स्पेस प्रोवाइड किया जाए और हमारे इवेंट में हमारा सपोर्ट भी किया जाए। हमने एक प्लान किया है कि इंडिया में जहाँ भी ताज होटल्स है, जिस शहर में भी ताज होटल्स है, हम वहाँ प्रोग्राम करेंगे, और डेफिनेटली ताज का हमें उसमें सपोर्ट रहेगा। दोस्तों, ताज होटल के हमारे पिछले 10 इवेंट्स में जितने भी कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया सभी ने लगभग एक बात कही कि सर, आपने हमारा एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा किया। उन्होंने बताया कि उनका बचपन से या बहुत सालों से एक ख्वाब था कि ताज मुंबई में उनका इवेंट हो, उनका वर्क डिस्प्ले किया जाए, और ये संभव आपके कारण।
ये स्पंदन के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, एक चिंतन चला था कि जो कलाकार स्पंदन के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम और क्या बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने कई कलाकारों से भी इस सिलसिले में बात की और हमने एक 11 पॉइंट पैकेज डिक्लेयर भी किया, एफपी पे हमने शेयर किया है कि हम ये फैसिलिटीज हर उस कलाकार को देंगे जो स्पंदन के इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी इवेंट में। तो उसमें से एक जो पॉइंट है वो ये है कि हर कलाकार का 1 पेज आर्टिकल हमारी मैगजीन में रहेगा। आर्टबीट, जो कि एक ग्लोबल मैगजीन है जिसका सर्कुलेशन काफ़ी बड़ा है, ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपी भी हम काफ़ी दूर तक भेजते हैं, तो उस मैगजीन में 1 पेज का आर्टिकल हर पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट का रहेगा और डिटेल्स हम मंगवा लेंगे। तो ताज होटल के दोनों शो के साथ अवार्ड सेरेमनी है, हर कलाकार का 1 पेज का आर्टिकल मैगजीन में रहेगा और मुंबई के हमारे हर शो का जो मीडिया प्रमोशन है वो पीआर के थ्रू होता है। ताज होटल के दो एग्जीबिशंस एक साथ होते हैं, 4 डे ईच। तो ये जो 8 दिन का जो प्रोग्राम होता है ताज में, 8 डेज इवेंट, इसमें हम लगभग 20 to 25 न्यूज़ कटिंग्स कलेक्ट करते हैं, यानी मुंबई जैसे शहर में 25 न्यूज़ कटिंग्स कलेक्ट करना, ये एक अच्छा प्रमोशन है। जो 7 आर्टिस्ट शो है या हमारे जो 5 आर्टिस्ट शो है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर कलाकार को एक्स्ट्रा स्पेस मीडिया में मिल सके, उनका एक शॉर्ट इंट्रो और उनका वर्क का डिटेल्स हम मीडिया में न्यूज में दे सकें ताकि उनको एक अच्छी पहचान मिल सके। तो दोस्तों, कोरोना पीरियड से पहले ही ये शो सारे बन चुके थे और कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। ताज शो में थोड़ा स्पेस है, ज़्यादा नहीं है, 5-7 कलाकारों को लिया जा सकता है, तो जिसका भी इंटरेस्ट हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स सारे ही एक पीडीएफ फाइल फेसबुक पे शेयर की गई है जिसमें सारी डिटेल्स हैं। उसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और मेरा ये कहना है कि कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है और हमें सरकार पे या किसी पे डिपेंड नहीं रह के खुद अपनी सुरक्षा करनी है, हमें सुरक्षित रहना है, अपना ख्याल रखना है। और इसी तरह से स्पंदन पे अपना विश्वास बनाए रखें। थैंक यू सो मच।